भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा अनुवादक विकास झा भाग एक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए थैंक यू धन्यवाद एक अस्वाभाविक राष्ट्र क्योंकि संख्या में वे इतने ज़्यादा हैं और इतने अलग अलग प्रकार के हैं कि हिंदुस्तान के लोग स्वाभाविक तौर पर बटे हुए हैं लगता है कि ऐसा हमेशा से रहा है सन अठारह के वसंत में मशहूर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा पर रवाना हुए छः महीने के बाद वह हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस पहुँचे यहाँ उन्होंने चिरागे दैर के नाम से शायरी लिखी जिसकी कालजयी पंक्तियाँ कुछ इस तरह की हैं मैंने एक रात एक पहुँचे हुए संत से पूछा जो इस काल चक्र का रहस्य जानता था बाबा तुम जानते हो कि अच्छाई और विश्वास नैतिकता और प्रेम इस अभागे देश से पलायन कर चुका है बाप और बेटे एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हैं भाई और भाई लड़ रहे हैं एकता और संघ की भावना खत्म हो गई है इन अशुभ संकेतों के बावजूद अभी तक कयामत का दिन क्यों नहीं आया अंतिम घड़ी की विजय ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती अंतिम विनाश का सूत्र किसके हाथों में है गालिब का शेर मुगल साम्राज्य के पतन की पृष्ठभूमि में लिखा गया था गंगा सिंधु की घाटी का उनका अपना इलाका जो कभी एक बादशाह के अधीन था अब आपस में लड़ते करते कई सरदारों और सेनाओं में बढ़ चुका था भाई से भाई लड़ रहे थे एकता और संघ की भावना कहीं नहीं थी लेकिन जब वह इन पंक्तियों को लिख रहे थे उसी वक्त अंग्रेजों की शक्ल में एक नई और विदेशी ताकत हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना पंजा फैला रही थी वे धीरे धीरे उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित करते जा रहे थे उसके बाद सन अठारह में देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ जिसे साम्राज्यवादियों ने सिपाही विद्रोह कहा तो राष्ट्रवादियों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया उस दौर की कुछ सबसे ज़्यादा रक्त रंजित लड़ाइयाँ गालिब के अपने शहर दिल्ली में ही हुई थी जो अभी भी नाम मात्र के लिए मुग़लों की राजधानी थी और आने वाले वक्त में अंग्रेज़ों की राजधानी होने वाली थी गालिब की अपनी सहानुभूति भी खंडित अवस्था में थी वे नए शासकों से वजीफा पा रहे थे हालांकि वे मुग़ल संस्कृति और उसकी शान शौकत के बारिश थे जैसा उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने या बाद में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महसूस किया उस तुलना में गालिब ने ज़्यादा साफ तौर पर देखा कि सही को गलत से अलग करने का फ़र्क मिट चुका था और दोनों ही पक्षों द्वारा भयानक अत्याचार किया जा रहा था अपने ही मुल्क में अलग थलग हो चुके गालिब ने बड़े दुख के साथ इन पंक्तियों को लिखा हिंदुस्तान प्रबल झंझावातों और आग की लपटों से घिरा हुआ है यहाँ के लोग किस नई व्यवस्था की तरफ उम्मीद और खुशियों से देखें लेकिन इस सवाल का एक जवाब सामने आ रहा था सन अठारह की घटनाओं के, के बाद ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता छीन ली पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की अस्थायी और लुंजपुंज नौकरशाही की जगह एक परिष्कृत नौकरशाही ने ले ली नए ज़िले और सूबों का गठन किया गया अब राज्य का प्रशासन संभ्रांत माने जाने वाले इंडियन सिविल सर्विसेज के अफसरों द्वारा चलाया जाने लगा जिन्हें कामकाज में पुलिस जंगल सिंचाई आदि विभाग सहायता दे रहे थे पूरे देश में रेलवे का जाल बिछाने के लिए काफ़ी ऊर्जा और संसाधन खर्च किया गया इसने ब्रिटिश भारत को काफ़ी हद तक एकता और स्थायित्व तो प्रदान किया क्योंकि अब शासक वर्ग तेजी से देश के किसी भी इलाके में ज़रूरत पड़ने पर सेना भेज सकता था और अठारह के दोहराव को रोक सकता था सन अठारह तक हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज इतनी मजबूती से जम चुका था कि अगर हजार साल नहीं तो कम से कम वे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते थे कि उनके अपने जीवन काल से ज़्यादा ही यह राज चलेगा उसी साल एक व्यक्ति ने जिसने भारत में ब्रिटिश राज की जड़ें जमाने में काफ़ी मदद की थी कैम्ब्रिज में कई व्याख्यान दिए जो बाद में इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए गए उस व्यक्ति का नाम था सर जॉन स्ट्रीची स्ट्रेची ने भारतीय उप में कई साल बिताए थे और आखिर में गवर्नर जनरल के काउंसिल का सदस्य तक बना था अब वह सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड में रह रहा था और उसने अपने भारतीय अनुभवों का यूरोप में हाल में घटी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया स्ट्रेची की पुस्तक के बड़े हिस्से को ब्रिटिश राज के प्रशासनिक इतिहास के तौर पर लिया जाता है इसमें ब्रिटिश राज की सेना नौकरशाही राजस्व नीति और देशी रजवाड़ों की खास स्थिति का वर्णन किया गया है यह किताब उन लोगों के लिए जरूरी शुरुआती किताब थी जो कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने के बाद अधिकारियों के रूप में भारत आने वाले थे लेकिन इस किताब में एक बड़ा सैद्धांतिक तर्क भी दिया गया है कि हिंदुस्तान महज एक सुविधाजनक नाम था यह एक विशाल क्षेत्र का नाम था जिसमें कई सारे राष्ट्र साथ साथ रह रहे थे स्ट्रेची की राय में यूरोप के देशों में आपसी फर्क जितना ज़्यादा नहीं है था उससे ज़्यादा फर्क हिंदुस्तान के इलाकों के बीच था उसने कहा पंजाब और बंगाल की तुलना में स्कॉटलैंड और स्पेन ज़्यादा नज़दीक हैं भारत में भाषा नस्ल और धर्म की विविधता बहुत ज़्यादा थी यूरोप के विपरीत भारत के ये क्षेत्र कोई अलग राष्ट्र नहीं है नहीं उनमें कोई अलग राजनीतिक और सामाजिक पहचान की चेतना है स्ट्रेची ने अपने कैम्ब्रिज के श्रोताओं से कहा कि हिंदुस्तान के बारे में यह सबसे जरूरी सीखने लायक बात है कि एक भारतीय राष्ट्र का कभी भी अस्तित्व तो नहीं था न ही यूरोपीय विचारों के मुताबिक कोई ऐसी भौतिक राजनीतिक सामाजिक या धार्मिक रूप से एकीकृत अवधारणा ही मौजूद थी स्ट्रेची ने कहा कि अतीत में भारतीय राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी न ही भविष्य में उसके ऐसा होने की संभावना है स्ट्रेची ने सोचा कि हो सकता है कि देश के कुछ हिस्सों में राष्ट्र के प्रति सहानुभूति की भावना जग जाए लेकिन ये सोचना कि यह भावना पूरे देश में व्याप्त हो जाएगी पन और पंजाब बंगाल उत्तरी पश्चिमी प्रांत और मद्रास के लोग कभी ऐसा महसूस भी करेंगे कि वे एक भारत के निवासी हैं असंभव बात है हालांकि काफ़ी तर्कों और संभावनाओं के आधार पर जरूरी किसी ऐसे वक्त की कल्पना की जा सकती है जब कई यूरोपीय राष्ट्रों की जगह एक संयुक्त यूरोपीय राष्ट्र ले लेगा स्ट्रेची की टिप्पणियाँ एक ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालने की कोशिश भर थी उस वक्त यूरोप में अपनी साझी भाषा और साझा क्षेत्र के आधार पर कई नए राष्ट्र अपनी पहचान को कायम करने के लिए बेचैन हो रहे थे लेकिन भारत में जिन क्षेत्रों के बारे में स्ट्रेची जानता था उनमें से किसी ने भी उस तरह की राष्ट्रीय जागृति नहीं दिखाई थी लेकिन हम उसके इस बयान में राजनीतिक निहितार्थ भी खोज सकते हैं जो उसके श्रोताओं की इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए दिया गया था जिन्हें ब्रिटिश राज के अधिकारियों के तौर पर हिंदुस्तान में हुकूमत करना था क्योंकि हिंदुस्तान में प्रत्येक नए राष्ट्र के उदय का मतलब होता ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा में क्षरण विडम्बना यह थी कि जब स्ट्रेची अपना भाषण दे रहा था उसी समय उसके निष्कर्षों को कुछ भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा रही थी इन भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम के एक प्रतिनिधि संगठन की स्थापना की और प्रशासन के मामलों में भारतीयों को ज्यादा अधिकार देने की मांग की जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट था इस संगठन ने भारतीयों के बीच संस्कृति क्षेत्र धर्म और भाषा की विभिन्नताओं को पाटने का संकल्प लिया और एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कदम रखा जिसे साम्राज्यवादी असंभव मानते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास पर कई सारी अच्छी किताबें लिखी गई हैं कि कैसे यह एक वाद विवाद के कल्ब से जन आंदोलन में तब्दील हो गया और कैसे गोखले तिलक और सबसे ज़्यादा गांधी ने क्रमशः इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई विभिन्न भाषा भाषी समुदायों धार्मिक समूहों और जातियों के बीच पुल बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया हालांकि ये कोशिशें कभी भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाईं क्योंकि निचली जातियाँ और ख़ासकर मुसलमान कभी भी कांग्रेस के इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं हो सके कि कांग्रेस ही सही मायनों में एक राष्ट्रीय पार्टी है इस तरह सन उन्नीस में जब देश को राजनीतिक आज़ादी मिली तो यह एक देश को नहीं बल्कि दो देशों भारत और पाकिस्तान को मिली हालांकि भारतीय राष्ट्रवाद को फिर से याद करने का यह उपयुक्त स्थान नहीं है मैं सिर्फ़ एक ही बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि कांग्रेस के जन्म से लेकर भारत की आज़ादी और इसके बंटवारे तक ऐसे कई शंकालु लोग थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक स्वाभाविक घटना नहीं है कुछ ऐसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और विचारक जरूर थे जिन्होंने भारतीयों के स्वशासन का समर्थन किया था और अपने तरीके से इस प्रक्रिया में मददगार भी बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई योजनाकारों में एक ह्यूम ऐसे ही अंग्रेज थे जो स्कॉट माता पिता के संतान थे लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने तर्क दिया कि फ्रांस जर्मनी या इटली की तरह हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं थी ऐसा कोई बंधन नहीं था जो लोगों को एक सूत्र में बांध सके और उन्हें उद्देश्यपरक ढंग से भविष्य की तरफ ले जा सके इस दृष्टिकोण ने उस दावे को जन्म दिया कि यह ब्रिटिश शासन ही था जिसने भारत और भारत की जनता को एकता के सूत्र में बांधा जिन लोगों ने जॉन स्ट्रेची के इस विचार का समर्थन किया कि एक स्वाधीन भारतीय राष्ट्र का जन्म असंभव है उसमें कई मशहूर और अनाम लेखक भी थे इसमें सबसे अहम थे रुडियार्ड किपलिंग जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ही अपना होश संभाला था और बाद में इसके बारे में कुछ बेहतरीन कहानियाँ भी लिखी। सन अठारह में किपलिंग ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की जहाँ एक पत्रकार ने उनसे भारत में स्वशासन की संभावनाओं के बारे में पूछा किपलिंग ने कहा ओ नो वे 4000 साल पुराने लोग हैं इतने पुराने कि इस प्रणाली को सीख नहीं सकते उन्हें कानून और व्यवस्था चाहिए ही नहीं हम उन्हें ये देने को तैयार हैं और हम उन्हें ये सीधे तौर पर दे रहे हैं जहाँ किपलिंग ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता की बात की तो दूसरी तरफ अन्य साम्राज्यवादियों ने उसी निष्कर्ष को निकालने में भारतीय मानस की अपरिपक्वता पर जोर दिया उनका मानना था कि भारत के लोग शासन करने के लिए अयोग्य हैं भारत में चालीस साल बिताने के बाद एक क्रिकेट और बागान मालिक ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हमने कभी भारतीयों को उनका शासन चलाने की छूट प्रदान की तो यहाँ अराजकता छा जाएगी या खुदा किस तरह की भ्रम अव्यवस्था उलझन और बुरी स्थिति यहाँ छा जाएगी अगर हिंदुस्तान हमारे अधीन रहा तो यहाँ के महान लोग कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर उन्होंने अगर उनको अपने पर छोड़ दिया जाए या आ, शासन या राजने के मामले में उनको कोई फैसला करने दिया जाए तो वे बहुत बचकाने किस्म के लोग हैं और उनके तथाकथित नेता घटिया किस्म के हैं इस तरह के विचार भारत और इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेजों के मन में बुरी तरह छाए हुए थे राजनीतिक रूप से कहा जाए तो इस तरह के स्ट्रेचियन विचारधारा के सबसे बड़े पैरोकार विंस्टन चर्चिल थे सन उन्नीस के दशक में जब भारतीय स्वतंत्रता का विचार व्यापक रूप से अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुका था चर्चिल ने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के पहले मंत्री पद इसलिए नहीं संभाला है कि वे साम्राज्य के विघंट विखंडन विखंडन में भागीदार बने इसके एक दशक पहले उन्होंने भारतीयों के लिए स्वशासन के विरोध को आधार बनाते हुए अपने गिरते हुए राजनीतिक भविष्य को फिर से मजबूत करने की कोशिश की थी सन उन्नीस में गांधी के नमक सत्याग्रह के बाद जो नमक पर कर लगाने के खिलाफ शुरू किया गया था अंग्रेजी सरकार ने भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ इस उपनिवेश को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावना पर विचार विमर्श शुरू किया था उस समय भी चर्चिल ने इस विचार को अपने आप में शानदार लेकिन इसके नतीजों के हिसाब से इसे आपराधिक स्वरूप का कहा था उनके मुताबिक चूंकि भारत के लोग स्वशासन के लिए अयोग्य थे इसलिए यह जरूरी था कि ब्रिटिश साम्राज्य की शालीन और दृढ़ शक्तियों को इस तरह की कि किसी भी संभावनाओं को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए सन उन्नीस और इकतीस में चर्चिल ने भारतीय स्वतंत्रता के विचार के खिलाफ बड़े अशालीन ढंग से कई व्याख्यान दिए ताकि इसके समर्थन में ठोस योजनाएं बनाई जा जा सकें दिसंबर 1930 में लंदन में अपने श्रोताओं के सामने बोलते हुए चर्चिल ने कहा कि अगर अंग्रेज इस उपमहाद्वीप को छोड़कर चले जाते हैं तो जरूरत पड़ने पर जर्मनी से श्वेत जानुसेरी सैनिकों और अधिकारियों की सेवा लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हिंदुओं का सशस्त्र प्रभुत्व नष्ट किया जा सके तीन महीने बाद अल्बर्ट हॉल में अपने रिश्तेदार ड्यूक ऑफ मोरबरो की अध्यक्षता में चल रहे अवर ड्यूटी टू इंडिया नाम के व्याख्यान में चर्चिल ने तर्क दिया कि भारत का अंग्रेजों द्वारा छोड़ दिया जाना और उसे ब्राह्मणों की सत्ता में दिए जाना जो उनके विचार में कांग्रेस पार्टी में प्रभुत्व स्थापित किए हुए थे एक क्रूर और धूर्ततापूर्ण नजरअंदाजी होगी उसने भविष्यवाणी की कि, कि अगर ब्रिटिश भारत से चले जाते हैं तो उनके द्वारा निर्मित न्यायपालिका स्वास्थ्य सेवाएं रेलवे और लोक निर्माण की संस्थाओं का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान बहुत तेजी से शताब्दियों पहले की बर्बरता और मध्ययुगीन लूट खसोट के दौर में वापस चला जाएगा जब चर्चिल इस तरह की चेतावनियाँ जारी कर रहे थे उसके डेढ़ दशक बाद अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया उसके बाद बर्बरता और अराजकता का एक दौर जरूर आया लेकिन उनके उसके लिए कौन जिम्मेदार था यह आज भी विवाद का विषय है लेकिन उसके बाद कुछ व्यवस्था भी जरूर बहाल हुई शांति की स्थापना के लिए किसी भी जर्मन की जरूरत महसूस नहीं हुई हिंदू वर्चस्व की बात जो इस देश में पहले भी एक हद तक थी बहाल तो हुई लेकिन इसके लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी बल्कि यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर लगातार चुनावों के द्वारा हुआ लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की आजादी के 60 सालों के दौरान यह सवाल बार बार उठाया जाता रहा कि यह मुल्क कितने दिनों तक एक रह पाएगा, या यहाँ लोकतंत्र की प्रक्रिया या संस्थाएं कितने दिनों तक काम कर पाएंगी हर एक प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद ये आशंका जताई जाती रही कि अब लोकतांत्रिक शासन की जगह सैन्य शासन ले लेगा हर एक बार मानसून के धोखा देने के बाद अकाल की आशंका जताई जाती रही और हर एक अलगाववादी आंदोलन के जन्म लेने के बाद यह आशंका व्यक्त की जाती रही कि हिंदुस्तान एकीकृत राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा विनाश के इन भविष्यविद्ताओं में से कई सारे पश्चिमी लेखक थे जो सन उन्नीस के बाद से भारत के विघटन की भविष्यवाणी करते आ रहे थे उनमें से कई स्वाभाविक रूप से अमेरिकी या ब्रिटिश लेखक थे खास बात यह थी कि सिर्फ मौसमी पर्यवेक्षकों या सामान्य बुद्धि वाले पत्रकारों के लिए ही भारत का एक वजूद भारत का वजूद एक पहेली नहीं था बल्कि अकेडमिक राजनीति विज्ञानियों के लिए भी यह एक पहेली ही था जिनके मुताबिक सांस्कृतिक विविधता और भयानक गरीबी किसी राष्ट्र को एक राष्ट्र के रूप में तब्दील नहीं कर सकती कम से कम लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में तो बिल्कुल नहीं मशहूर राजनीति विज्ञानी रॉबर्ट डल ने लिखा था कि हिंदुस्तान की स्थिति को देखते हुए यह कहना बिल्कुल असंभव लगता है कि यह देश लोकतांत्रिक संस्थाओं को आगे बढ़ा पाएगा यहाँ किसी तरह की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं एक दूसरे अमेरिकी विद्वान ने लिखा कि यूं तो भारत समाज विज्ञान से संबंधित अवधारणाओं को तोड़ने के लिए मशहूर रहा है लेकिन इस लेख के तथ्य इस शक की ओर इशारा करते हैं कि भारत में लोकतंत्र संभव हो पाएगा या नहीं इस पुस्तक के पन्ने भारत के तत्काल विखंडन या इसके अराजक स्थिति में पहुंच जाने या किसी तानाशाह के चंगुल में फंस जाने की भविष्यवाणियों से भरे पड़े हैं एक ऐसे ही सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति के बयान का हवाला देना यहाँ उचित होगा वह ब्रिटिश पत्रकार जॉन टेलर था सन उन्नीस में लिखते हुए जबकि हिंदुस्तान दो दशकों से एक एकीकृत मुल्क के रूप में रह चुका था और जहां चार आम चुनाव करवाए जा चुके थे टेलर की राय थी कि अहम प्रश्न यह है कि क्या हिंदुस्तान एक मुल्क के रूप में रह पाएगा या यह बिखर जाएगा अगर इसके विशाल देश और इसके बावन करोड़ लोगों को देखा जाए यहाँ की पंद्रह प्रमुख भाषाओं आपस में लड़ते हुए धर्मों और बहुत सारी नस्लों को देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कभी यहाँ पर एक राष्ट्र की भावना का उदय भी हो पाएगा यह देश इतना विशाल और इतनी विविधता लिए हुए है कि इसे दिमाग में समेटना भी मुश्किल है यहाँ महान हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं गंगा सिंधु का विशाल मैदान है जो कभी सूरज की गर्मी से झुलसता है तो कभी मानसून की वर्षा से सराबोर रहता है पूर्व में हरियाली से आच्छादित डेल्टा प्रदेश है तो कलकत्ता बम्बई और मद्रास जैसे महानगर भी यहाँ हैं यह देश अक्षर अक्सर एक देश जैसा नहीं लगता लेकिन फिर भी भारत के प्रति एक अंतर्निहित भावना है जो इसके अस्तित्व का सबसे बड़ा आश्वासन है कुछ ऐसा जरूर है जिसे सिर्फ भारतीय इच्छा शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है मैं इस कथन को अतिरंजित नहीं मानता कि एशिया का भविष्य इसके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है दिल ने कहा कि भारत का अस्तित्व बचा रहेगा लेकिन दिमाग इस बारे में शक जाहिर कर रहा था जाहिर है यह देश बहुत ही जटिल और बहुत ही भ्रामक था एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जा सकता था कि यह एक अस्वाभाविक राष्ट्र है सच्चाई तो यह थी कि जब से देश को आज़ादी मिली थी तब से बहुत सारे भारतीयों ने इसके अस्तित्व को स्वाभाविक तौर पर देखा था तो कुछ एक राष्ट्रवादियों ने इसके बारे में भय के साथ लिखा या बयान दिए थे बहुत सारे लोगों अलगाववादी या क्रांतिकारियों ने इसे उम्मीद के साथ देखा था अपने विदेशी समकक्षों की तरह वे यह भी मानने लगे थे वे भी ही यह मानने लगे थे कि यहाँ की जमीन एक राष्ट्र के अस्तित्व में बने रहने के हिसाब से ज़्यादा ही विविधता लिए हुए है और एक लोकतंत्र के फलने फूलने के हिसाब से बहुत ही गरीब पिछली सदी के आखिरी दशक में मैं गालिब के शहर का वासिंदा हो गया हालांकि मैं किले की दीवारों से घिरे पुरानी दिल्ली में नहीं रहा जहां गालिब की हवेली अभी भी खड़ी है बल्कि मैं नई दिल्ली में रह रहा था जिसे अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था जैसा कि शायर के ज़माने में हिंदुस्तान का हाल था उसी तरह भारतीय अब भी आपस में लड़ रहे थे अपने काम के सिलसिले में मुझे राजपथ से होकर गुजरना पड़ता पूर्व का किंग्स वे जिसका नाम और जिसकी भौगोलिक स्थिति राजसत्ता के प्रतीक है करीब एक मील तक राजपथ समतल जमीन पर स्थित था स्थित है जिसके दोनों तरफ खुले हवादार मैदान हैं जिसमें गणतंत्र दिवस समारोह को देखने आने वाले हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाती है उसके बाद यह सड़क ऊंचाई की ओर उठती है और पत्थर की भव्य इमारतों तक पहुंचती है जिसे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है इन्हीं इमारतों में भारत सरकार का कार्यालय है वह सड़क उस महान भवन तक जाकर ख़त्म हो जाती है जहां कभी भारत के वायसराय रहा करते थे लेकिन जिस वक्त मैं दिल्ली में रहने के लिए आया उस समय से बहुत पहले अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे भारत अब एक आज़ाद और संप्रभु गणतंत्र था लेकिन ऐसा लगा कि यह अंदर से एक संतुष्ट देश नहीं था असंतुष्ट के संकेत हर जगह बिखरे पड़े थे ख़ासतौर पर राजपथ पर जहां समारोहों के अतिरिक्त अन्य दिन अमूमन खालीपन पसरा रहता है वहां तंबुओं का गांव बन गया था और तरह तरह के बैनर और झंडे लगे हुए थे एक कनात हिमालयी इलाके उत्तराखंड के किसानों का था जो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे तो दूसरा महाराष्ट्र के किसानों का था जो अपनी उपज के लिए ज़्यादा मूल्य की मांग कर रहे थे एक तीसरा तंबू कोंकण तट के दक्षिणी इलाके के लोगों का था जो अपनी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे इन तंबुओं के भीतर रहने वाले लोग और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे हमेशा बदलते रहते थे पहाड़ी किसानों की जगह औद्योगिक मजदूर आ जाते जो अपनी छटनी के खिलाफ आवाज़ उठाते महाराष्ट्र के किसानों की जगह तिब्बत के शरणार्थी आ जाते जो भारतीय नागरिकता की मांग करते और कोंकणी भाषा भाषियों की जगह हिंदू साधु संत आ जाते जो गौहत्या पर प्रतिबंध की मांग करते नब्बे के दशक की शुरुआत में सरकार द्वारा इन तंबुओं को वहाँ से हटा दिया गया जो इस बात से चिंतित थी के असंतोष के इस खुले प्रदर्शन से विदेशियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा राजपथ को अतिक्रमणों से हटा दिया गया और वहाँ के मैदान को उसका पूर्व गौरव प्रदान कर दिया गया लेकिन विरोध प्रदर्शन करने वाले फिर फिर से इकट्ठा हो गए और किसी और जगह पर विरोध प्रदर्शन करने लगे अब वे वहाँ से एक मेल उत्तर पश्चिम कनाट प्लेस में जंतर मंतर वेदशाला के सामने प्रदर्शन करने लगे यहाँ वे राज्य सत्ता की दृष्टि से तो दूर थे लेकिन जनता की निगाहों के सामने थे जो इस व्यस्त कारोबारी इलाके से होकर प्रतिदिन गुजरती थी सन उन्नीस सौ अट्ठावन अट्ठानबे में पुलिस ने तय किया कि वहाँ भी वह धरना प्रदर्शन करने वालों को नहीं रहने देगी एक बार फिर से तंबुओं को ख़त्म कर दिया गया लेकिन जैसा कि एक अखबार की रिपोर्ट ने लिखा जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है सिर्फ धरना प्रदर्शन की इन जगहों में परिवर्तन हो गया समस्या जस की तस है इन विरोध प्रदर्शन करने वालों को मंदिर मार्ग शंकर रोड चौराहे के पास की एक खाली ज़मीन पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा जहाँ संभवतः उन पर कम लोगों की निगाह जा पाएगी जब मैं नब्बे के दशक में दिल्ली में रहता था तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं पहली जनवरी से लेकर इकतीस दिसंबर तक हर एक दिन राजपथ पर घूम सकूं। इस तरह मैं वहां तंबुओं और धरना दे रहे लोगों की उपस्थिति और उनके वहां से हट जाने की घटना को अपनी आँखों से देखना चाहता था किसी एक साल में किसी एकमात्र सड़क से कही गई वह भारत की अद्भुत कहानी होती यह पुस्तक जो आपके हाथ में है उसे लिखने में एक अलग तरीके का पालन किया गया है इसकी किस्सा गोई छः दशकों में फैली हुई है यह सन उन्नीस से लेकर अब तक की कहानी कहती है हालांकि, उसी किताब की तरह जो मैं राजपथ पर साल भर बिताने के बाद लिखना चाहता था यह किताब भी एक किस्सा गोई है किस्सा गोई है उन सामाजिक संघर्षों की कि कैसे वे पैदा होते हैं कैसे व्यक्त होते हैं और किस तरह उनका समाधान खोजने की कोशिश की जाती है ये संघर्ष कई मुद्दों पर चलते रहते हैं जिसमें हम उदाहरण के लिए चार मुद्दों को प्रतिनिधि के तौर पर चुन सकते हैं इनमें से पहला मुद्दा जाति है जो बहुत सारे भारतीयों के लिए एक मुख्य पहचान का विषय है यह तय करता है कि वे किससे शादी करेंगे किससे दोस्ती करेंगे किससे लड़ाई रखेंगे अंग्रेजी शब्द कास्ट पुर्तगाली भाषा से लिया गया है जो दो भारतीय शब्दों जाति और वर्ण का मिश्रित रूप है जाति का मतलब ऐसे लोगों का समूह है जिसमें किसी व्यक्ति का जन्म होता है जबकि वर्ण का मतलब सामाजिक वर्गीकरण का वो पायदान है जो हिंदू शास्त्रों और पुराणों के हिसाब से तय किया गया है हिंदू धर्म में चार वर्ण हैं और पूर्व के अछूतों को छोड़कर इसमें पांच वर्ण हो जाते हैं जो सबसे निचले स्तर पर भी हैं इन्हीं वर्णों में तीन हज़ार या उससे भी अधिक जातियां हैं इसमें से हर एक जाति अपने इलाके में अपने से ऊपर की जातियों को चुनौती देती है और इस प्रक्रिया में अपने से नीचे की जातियों से चुनौती भी पाती है उसके बाद दूसरा मुद्दा है भाषा भारत का संविधान 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा देता है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंदी है जो एक या एकाधिक रूपों में लगभग 40 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है अन्य महत्वपूर्ण भाषाएं हैं तेलुगु कन्नड़ तमिल मलयालम मराठी गुजराती उड़िया पंजाबी बंगाली और असमी इसमें से हर एक भाषा एक खास लिपि में लिखी जाती है और ऐसा दावा किया जाता है कि उसके बोलने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता हमेशा एक दूसरे की पूरक नहीं रही है भाषा के आधार पर भारतीय आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं संघर्ष का तीसरा कोण धर्म से संबंधित है एक अरब से ज़्यादा आबादी वाले इस देश में एक विशाल बहुसंख्या हिंदुओं की है लेकिन दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी करीब चौदह करोड़ मुसलमान भी भारत में रहते हैं सिर्फ इंडोनेशिया में ही भारत से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं इसके अलावा इस देश में ईसाई बौद्ध जैन और सिखों की भी खासी आबादी रहती है चूँकि आस्था भी भाषा की तरह ही मानवीय पहचान की एक मौलिक विशेषता है तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि हिंदुस्तान के लोग कभी कभी धर्म के आधार पर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं संघर्ष का चौथा मुख्य कारण वर्ग है भारत बेमिसाल सांस्कृतिक विविधताओं का देश है लेकिन यह उतना ही भीषण सामाजिक विषमताओं का देश भी है भारत में ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं जो तो बहुत ही अमीर हैं और जिनके पास लंदन और न्यूयॉर्क में अपनी विशाल कोठियाँ हैं लेकिन फिर भी देश की 26 फीसदी आबादी यानी करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे बताए जाते हैं देश के अंदरूनी हिस्सों में भू स्वामित्व में भीषण विषमता है और शहरों में लोगों की आमदनी के बीच गहरी खाई है इसलिए यह ताज्जुब की बात नहीं कि इन सारी विषमताओं ने बहुत सारे विरोध के आंदोलनों को जन्म दिया है संघर्ष के ये बिंदु कई बार एक साथ तो कई बार अलग अलग भी काम करते हैं कई बार एक ही आस्था को मानने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं अक्सर निम्न जातियां दमित भी होती हैं संघर्ष के इन चार केंद्रीय बिंदुओं में से एक पांचवां बिंदु भी जोड़ा जा सकता है जो इन चारों को एक साथ प्रभावित करता है वह पांचवां बिंदु है लिंग का यहाँ फिर से भारत एक गज़ब का विरोधाभास दिखाता है इस देश में एक महिला पूरे पंद्रह साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ले रही है लेकिन फिर भी भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी कन्या भ्रूण हत्या का मामला काफ़ी सामान्य है पूरे देश में भूमिहीन मजदूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता है और उनमें महिलाओं को तो सबसे कम निम्न जाति के लोगों को सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है उनकी महिलाओं को ये भेदभाव सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है हर एक धर्म के साधु संत अपनी महिलाओं को इस जन्म और दूसरे जन्म में हीन दर्जा प्रदान करते हैं भेदभाव के एक बिंदु के रूप में लिंग और दूसरे अन्य बिंदुओं में ज़्यादा विकृत है हालांकि सामूहिक और खुले रूप में अक्सर इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाई है सामाजिक संघर्षों की प्रयोगशाला के रूप में एक इतिहासकार के लिए बीसवीं सदी का भारत उतना ही दिलचस्प है जितना उन्नीसवीं सदी का यूरोप दोनों ही मामलों में दो सही सामाजिक परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं के मेल से संघर्षों का जन्म हुआ ये प्रक्रियाएं थीं औद्योगिकरण और आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय वैसे भी भारत में धर्म जाति वर्ग और भाषा पर आधारित प्रतिस्पर्धी समूहों की विविधता को देखते हुए इन संघर्षों की संभावना ज़्यादा थी भारतीय उपमहाद्वीप में ये संघर्ष 19वीं सदी के यूरोप की तुलना में इसलिए भी ज़्यादा साफ तौर पर देखने को मिलते हैं क्योंकि भारत में जो कुछ हुआ वह एक लोकतांत्रिक ढांचे के तहत हुआ जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाने की व्यवस्था थी एक स्वतंत्र प्रेस था और स्वतंत्र न्यायपालिका थी मानव जाति के इतिहास में कहीं भी और कभी भी इस तरह की विविधता लिए हुए सामाजिक संघर्ष देखने को नहीं मिला है जो इतना तीव्र था और कला और साहित्य में जिसकी अभिव्यक्ति इतनी तीखे और जोरदार ढंग से हुई थी साथ ही ये ऐसे संघर्ष थे जिसका देश के राजनीतिक तंत्र में और मीडिया ने सीधे तौर पर समा समाधान खोजने की कोशिश की थी ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था आजाद भारत के इतिहास और इस पुस्तक के विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण करने का एक तरीका संघर्ष के मानचित्रों का प्रदर्शन भी हो सकता है हर एक दशक के हिसाब से अलग अलग तरीके से भारत का नक्शा दिखाया जा सकता है इसमें हुए संघर्षों को उनकी तीव्रता के हिसाब से अलग-अलग रंगों से रंगा जा सकता है उदाहरण के लिए किसी खास समूह द्वारा लोकतांत्रिक प्रगति में दिलचस्पी लेने को नीले रंग से अहिंसक लेकिन आक्रामक रूप से परिवर्तन की मांग करने वालों को लाल रंग से और भारतीय राज्य को सशस्त्र विद्रोह के द्वारा नष्ट करने की कोशिश करने वालों को काले रंग से रंगा जा सकता है अगर इस नक्शे का सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन किया जाए, तो लाल रंग में से रंगे इलाके काले में तब्दील हो रहे हैं काले रंग से रंगे इलाके लाल में तब्दील हो रहे हैं और नीले और लाल इलाके सफेद इलाके में बदल रहे हैं सफ़ेद रंग उन इलाकों का प्रतिनिधित्व कर सकता है जहाँ कोई बड़ा संघर्ष मौजूद नहीं है ये नक्शे सतत बदलते हुए रंगों का एक विविध रेखाचित्र प्रस्तुत करेंगे लेकिन इन तमाम परिवर्तनों के बावजूद एक सजग पर्यवेक्षक ये जरूर महसूस करेगा कि दो बातें सदा स्थिर रही हैं पहली देश के नक्शे का स्वरूप इन तमाम आंतरिक परिवर्तनों के बावजूद नहीं बदला है ऐसा इसलिए कि हिंदुस्तान पिछले दशकों में लगातार एक रहा है और इसका कोई भी इलाका इसे छोड़कर अलग नहीं हो पाया है दूसरी बात ये कि किसी भी वक्त में एक साथ नीले काले और लाल इलाके मिलकर इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वे सफेद इलाके से बड़े हो सके जिन दशकों को एक जमाने में खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता था उस वक्त भी 50 फीसद से ज्यादा भारत का हिस्सा शांतिपूर्वक देश की व्यवस्था के अधीन काम करता रहा आज का प्रेस चाहे ब्रॉडशीट हो या टेबुलाइट सनसंगी खेज हो या गंभीर हो या पश्चिमी सारे के सारे भारत की आर्थिक तरक्की की खबरों से अटे पड़े हैं ये खबरें अतीत की गरीबी और वंचना के बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करती हैं लेकिन आधुनिक भारत की कामयाबी की कहानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में छुपी हुई है भारत के सॉफ्टवेयर चमत्कार को सलाम करना एक बार भी थोड़ी जल्दबाजी की बात होगी हम अभी ये नहीं जानते कि ये चमत्कार आम जनता तक समृद्धि ले जा पाएगा या नहीं लेकिन आज़ादी के साठ इम्तहानी सालों के बाद भी हिंदुस्तान एकीकृत एक एक और बहुत हद तक एक लोकतांत्रिक मुल्क है यह बात जरूर हमारे ध्यान को गहराई से आकर्षित करनी चाहिए हाल ही में 135 देशों में विकास और लोकतंत्र के बारे में किया गया एक सांख्यिकीय विश्लेषण बताता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र के खिलाफ अत्यधिक विषम हालात थे हिंदुस्तान के लोगों में निम्न आय और साक्षरता का स्तर और उच्च स्तरीय सामाजिक संघर्षों की वजह से यह देश इस अध्ययन की पूरी अवधि अर्थात 1950 से 1990 के درمیان अधिनायकवादी शासन व्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त था लेकिन हकीकत में उस पूरी अवधि के दरमियान चूँकि भारत व्यावहारिक रूप से लोकतांत्रिक बना रहा इसलिए भारत को सिर्फ एक ही तरीके से रेखांकित किया जा सकता था और वो ये था कि भारत एक प्रमुख अपवाद है इन विरोधाभासों और अनियमितताओं से बचने के लिए हमें समाज विज्ञान के सांख्यिकीय तौर तरीक़ों से शायद बचना होगा इसके हिसाब से हिंदुस्तान हमेशा नियमों का अपवाद ही साबित होगा इसके उलट हमें ऐतिहासिक किस्सा गोई का पुराना तरीका ही अख्तियार करना होगा जो हमें हिंदुस्तान को समझने में ज़्यादा मददगार साबित होगा हिंदुस्तान को जो शक्तियाँ बांटती हैं वे विविध प्रकार की हैं लेकिन यहाँ ऐसी भी शक्तियाँ हैं जो हिंदुस्तान को एक रखने में सहायक हुई हैं जो वर्ग और संस्कृत की उन टकराहटों को समेटने में सहायक हुई हैं जिन्होंने कम से कम अब तक उन भविष्यवाणियों को झूठा साबित किया है कि हिंदुस्तान बहुत ही जल्द विखंडित हो जाएगा या अधिनायकवाद के चंगुल में फंस जाएगा हालांकि इस तरीके के एककारी प्रभाव बहुत कम दृष्टिगोचर रहे हैं और इस किताब का एक लक्ष्य ये भी है कि उन प्रभावों को सामने लाया जाए मुझे लगता है कि उन प्रभावों के बारे में बात करना अभी सही नहीं होगा जैसे जैसे ये किस्सा गोई आगे बढ़ती जाएगी ये प्रभाव साफ तौर पर सामने आते जाएंगे यहाँ इतना कहना ही लाजिमी होगा कि ऐसे प्रभावों में व्यक्ति और संसाधनों व्यक्ति और संस्थानों दोनों की काफ़ी भूमिका रही है राजनीतिक सिद्धांतकार सुनील खिलनानी लिखते हैं कि भारतीय इतिहास में सन उन्नीस सौ सैंतालीस से लेकर अब तक का समय लोकतंत्र नाम के एक राजनीतिक विचारक को साहसपूर्वक आगे बढ़ाते रहने का समय है इस तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि महान लोकतांत्रिक प्रयोगों की कड़ी में आज़ाद भारत तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तो ऐतिहासिक क्षण है जिसे अठारहवीं सदी के आखिर में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किया गया था इसमें से हर एक प्रयोग ने असीमित ऊर्जा छोड़ी है हरेक ने विशाल आकांक्षाएं पैदा की हैं और हरेक ने दुखद निराशाओं को भी जन्म दिया है खिल नानी कहते हैं कि हालांकि भारतीय प्रयोग इनमें सबसे नया है लेकिन इसके नतीजे इन सारे प्रयोगों में सबसे ज़्यादा अहम साबित होंगे इसकी एक वजह तो यह है कि इसमें विराट जन समुदाय की भागीदारी होगी और दूसरी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति होगी क्योंकि यह एशिया महादेश में शाश्वत स्वतंत्रता का एक ज्योतिपुंज बनकर खड़ा रहेगा एक भारतीय के तौर पर मैं सोचता हूँ कि पश्चिम की तुलना में भारत में लोकतंत्र का प्रयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा एक इतिहासकार के तौर पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसका बहुत ही कम अध्ययन किया गया है फ्रांसीसी और अमेरिकन क्रांति पर सैकड़ों या शायद हजारों की संख्या में किताबें लिखी गई हैं उनके मशहूर और गुमनाम नेताओं की जीवनियाँ उन आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन और आने वाले दशकों और सदियों में उन क्रांतिकारियों के आ, उन क्रांतियों के प्रभावों की गहराई या उनके क्षरण का विशद अध्ययन उपलब्ध है इसके उलट भारतीय लोकतंत्र के विविध पक्षों पर उंगलियां उंगलियों पर गिनने लायक काम हुआ है शिक्षाविद कृष्ण कुमार लिखते हैं कि भारतीय बच्चों के लिए इतिहास भारत की आज़ादी और बंटवारे पर जाकर खत्म हो जाता है समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में और बाद में एक स्वतंत्र विषय के रूप में इतिहास की अध्ययन सामग्री सन 1947 के बाद खत्म हो जाती है और पिछले 55 सालों में जो भी कुछ हुआ है वह संक्षिप्त नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों लोकप्रिय सिनेमा और टेलीविजन के द्वारा ही जाना जा सकता है एक औपचारिक ज्ञान के विषय में के रूप में इतिहास उसको दर्ज नहीं करता अगर भारतीय बच्चों आज़ादी और मटवारे पर जाकर खत्म हो जाता है तो इसकी वजह यह है कि भारतीय वयस्कों और बुजुर्गों ने ऐसा ही सोच रखा है अकेडमिक जगत में इतिहास सिर्फ अतीत के बारे में पढ़ाता है जबकि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र वर्तमान के बारे में बात बात करते हैं यह एक पारंपरिक और कई मायनों में तार्किक विभाजन है लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय अकेडमिक जग, जगत में अतीत को एकमात्र और अचल तारीख के रूप में परिभाषित किया गया है और वो तारीख है 15 अगस्त उन्नीस इस तरह से जब घड़ी ने उस तिथि के मध्य रात्रि के आगमन की सूचना दी और भारत आज़ाद हुआ हमारा इतिहास वहीं खत्म हो गया और राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र शुरू हुआ लेकिन सन उन्नीस से लेकर आज तक इन कई दशकों में वर्तमान का पहिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है राजनीति विज्ञानियों ने सन उन्नीस में हुए पहले आम चुनाव का अध्ययन किया और उसके पाँच साल बाद हुए दूसरे चुनाव का भी अध्ययन किया समाज सामाजिक मानव शास्त्रियों ने सन 50 के दशक के भारतीय गांवों का विवरण लिखा फिर उन्होंने उससे भी ज़्यादा साठ के दशक का लिखा हालांकि अतीत अपनी जगह पूर्ववत कायम रहा लेकिन अपने पेशेवर प्रशिक्षण और मिजाज की वजह से इतिहासकारों ने अपने आप को आज़ादी से पहले की अवधि तक ही बांध कर रख लिया ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिणामों पर एक वृहद साहित्य लिखा गया है और अभी भी लिखा जा रहा है उससे भी विशाल साहित्य साम्राज्यवादी शासन के विरोध उसके स्वरूप उसके क्रियाकलापों उद्देश्यों और नतीजों के बारे में लिखा गया है या लिखा जा रहा है जिस विरोध की अगुवाई समाज सुधारक आध्यात्मिक गुरु आम लोगों के बीच मसीहा और राजनीतिक आंदोलनकारी महात्मा गांधी कर रहे थे कुछ लोग गांधी की काफ़ी तारीफ करते हैं तो उसी तरह कुछ उनको नापसंद भी करते हैं उसी तरह की बात उस भीम काय संस्था के बारे में भी की जाती है जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है आखिरकार अंग्रेजों ने अगस्त 1947 में हिंदुस्तान छोड़ दिया और उसके महज साढ़े पाँच महीनों के बाद गांधी की हत्या कर दी गई ब्रिटिश राज के खात्मे के बाद इसके सबसे मशहूर विरोधी की मृत्यु इतनी जल्दी हो गई कि इसने इतिहास के लेखन पर अपना एक निश्चित प्रभाव डाला इस बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अगर गांधी ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते तो क्या इतिहासकारों ने आज़ाद भारत के इतिहास को लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई होती लेकिन ऐसा देखने को मिला कि रिवाजों और परंपराओं के मुताबिक भारतीय इतिहास 15 अगस्त उन्नीस को ख़त्म मान लिया जाए हालांकि महात्मा के जीवनकारों को छः महीने ज़्यादा तक की घटनाओं को लिखने की छूट जरूर मिली इस तरह बहुत सारी बेहतरीन और विवादास्पद किताब ब्रिटिश भारत के अंतिम गहन संघर्षमय सालों के बारे में लिखी गई ब्रिटिश राज जैसी महान संस्था और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व अभी भी इतिहासकारों के लिए बहुत दिलचस्पी का विषय है लेकिन आज़ाद भारत का इतिहास बहुत मायनों में अभी भी एक अछूता इलाका है जिसे पूरी तरह खंगाला नहीं गया है अगर इतिहास का मतलब अतीत के ज्ञान का औपचारिक संग्रह है तो ये मानकर चलना चाहिए कि सन उन्नीस के बाद की समयावधि का लेखा जोखा वजूद में ही नहीं है और हाँ जैसा कि यह पुस्तक बताती है कि आज़ादी के बाद का पहला साल उतना ही नाटकीय था जितना कि ब्रिटिश राज का आखिरी साल अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण कर दिया था लेकिन नई व्यवस्था अभी कायम होनी बाकी थी बंटवारे ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष को खत्म नहीं किया था नहीं आज़ादी ने वर्ग या जाति के तनाव को अभी भी देश का बड़ा हिस्सा देशी रजवाड़ों के अधीन था इन्हें समझा समझा बुझाकर या धमकाकर भारतीय संघ का हिस्सा बनाना जरूरी था एक नष्ट होते साम्राज्य के मलबों से एक नए मुल्क का जन्म और निर्माण हो रहा था हाल में लिखे गए यूरोप के युद्धोत्तरकालीन इतिहास में टोनी जुट ने लिखा है कि पहली निगाह में वे इस तरह के किताब दूसरी इसी तरह की किताबों के कंधों पर खड़ी होती है वे लिखते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के साठ सालों के संक्षिप्त इतिहास के लिए अंग्रेजी में जो छुटपुट लेखन किया गया है वो इतना ज़्यादा है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता जबकि भारत में स्थिति बिल्कुल उलट है यहाँ हमारे ज्ञान में काफ़ी विशाल अंतर है भारतीय गणराज्य अट्ठाईस राज्यों का संघ है जिसमें से कई तो फ्रांस से भी बड़े हैं लेकिन फिर भी यहाँ बड़े या महत्वपूर्ण राज्यों का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है पचास और साठ के दशक में भारत ने विदेश नीति आर्थिक नीति और योजनागत विकास के संदर्भ में नई नीतियों को अपनाया था इन नीतियों का आधिकारिक या पर्याप्त लेखा जोखा लिखा जाना अभी तक बाकी है भारत ने महान दूरदर्शी और कर्मशील उद्यमियों को पैदा किया है लेकिन उनके द्वारा बनाई गई संस्थाओं और उनके द्वारा अर्जित की गई दौलत की कहानी अभी तक ज़्यादातर अलिखित ही है हमारे आधुनिक इतिहास की कुछ मुख्य हस्तियों की जीवनियाँ तक नहीं लिखी गई हैं ऐसी हस्तियों में शेख अब्दुल्ला मास्टर तारा सिंह एम जी रामचंद्रन आदि का नाम अहम है ये ऐसे सी एस वेंकटाचार जो कि मेरे पहले प्रेरणा स्रोत थे उन्होंने एक बार कहा था कि इतिहास के बारे में किया गया हर एक काम अंतरिम ही होता है जिसे परिवर्धित संशोधित या चुनौती दी जा सकती है और इसके बाद किए गए कामों के द्वारा इसे अलग थलग भी किया जा सकता है जितने विषयों को इस पुस्तक ने छुआ है उसके बावजूद हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि, कि किसी भी विषय को व्यापक रूप से यहाँ विश्लेषित किया गया है कई पाठकों को कई बातों से आपत्ति हो सकती है उदाहरण के लिए कुछ लोग इस बात पर प्रश्न उठा सकते हैं कि मैंने आदिवासियों के बारे में बहुत नहीं लिखा है कई लोग कह सकते हैं कि मुझे कश्मीर के बारे में कुछ और पढ़ने लिखने चाहिए थे इस किताब से मेरी अपनी उम्मीदें मार्क ब्लॉन्ग के शब्दों में बेहतर तरीके से व्यक्त हुई हैं जो किसी दूसरे काल में किसी दूसरे देश के बारे में लिख रहे थे मैं अपने आप को एक खोजकर्ता के रूप में देखना पसंद करूँगा जो जंगलों और झाड़ियों में जाने के बजाय क्षितिज का सर्वेक्षण करे क्योंकि वहाँ से चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं मेरे विवरणों में जो फर्क या अंतर दिखता है वह स्वाभाविक तौर पर विशाल है मैंने किसी भी तरह की कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं की चाहे वह मेरे ज्ञान का मामला हो या फिर मेरे विवरणों का अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है अगर ऐसा कोई वक्त आता है कि मेरा अपना लेखन किसी और गंभीर लेखन के सामने कमतर पड़ जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे असत्य तथ्यों ने इतिहास को अपने बारे में सत्य जानने के लिए प्रेरित किया कैम्ब्रिज के महान इतिहासकार एफ डब्ल्यू मीटलैंड अपने छात्रों को याद दिलाते रहते थे कि जो कुछ भी अबातीत है वह भी कभी भविष्य की बात होगी किसी इतिहासकार के लिए इससे अच्छी नज़ीर नहीं हो सकती खासकर उस इतिहासकार के लिए जो हाल की घटनाओं के बारे में कहना चाहता है और जो एक ऐसे पाठक या श्रोता से बात कर रहा है जिसकी उस विषय पर एक तयशुदा राय है उदाहरण के लिए वियतनाम युद्ध के बारे में एक अमेरिकी इतिहासकार की किताब उन लोगों द्वारा पढ़ी जाती है जो पहले से ही मान चुके होते हैं कि युद्ध सही था या गलत उनके मन में इसका खाका पहले से ही मौजूद होता है सन उन्नीस के छात्र आंदोलन के बारे में एक फ्रांसीसी इतिहासकार जानता है कि उसके पाठकों के मन में उस खास आंदोलन के बारे में मजबूत और परस्पर विरोधी धारणाएं होंगी जो लोग समकालीन इतिहास लिखते हैं वे जानते हैं कि उनका पाठक सूचनाओं को ग्रहण करने वाला महज एक निर्जीव वाहन नहीं है कि उसके सामने मनमर्जी लेखन परोस दिया जाए पाठक एक नागरिक भी होता है एक आलोचक पाठक जिसका अपना एक निजी राजनीतिक और वैचारिक झुकाव होता है ये झुकाव उसके अपने अतीत राजनेताओं और खासकर कानून निर्माताओं के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं हम समकालीन राजनेताओं द्वारा लिए गए फैसलों के नतीजों के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं और अक्सर सोचते हैं कि कोई दूसरा वैकल्पिक राजनेता जो कि हमारे ही तरह सोचता बेहतर और बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला लेता इतिहास लेखन में हम अतीत में जितना ही पीछे जाते हैं उतनी ही कम समस्या आती है अठारहवीं सदी के इतिहासकार उस वक्त को विश्लेषित करने की और समझने की कोशिश करते हैं वैसा ही उनका पाठक भी करता है जेफरसन या नेपोलियन का जीवनीकार अपने विश्वासी पाठकों पर भरोसा करता है क्योंकि वे नहीं जानते कि उन लोगों ने क्या किया था या वे यह इच्छा नहीं करेंगे कि काश उन नेताओं ने ऐसा किया होता यहां अमूमन पाठक किसी विशेषज्ञ द्वारा निर्देशित किए जाने में प्रसन्नता का अनुभव करता है लेकिन जॉन एफ कैनेडी या चार्ल्स दि गॉल के जीवनीकार उतने खुशनसीब नहीं हैं या कहें कि बहुत सारे संभावित पाठक पहले से ही इन लोगों के बारे में सारी सच्चाइयाँ जानते रहते हैं और किसी भी तरह के वैकल्पिक विचार को सुनने के प्रति बहुत कम इच्छुक होते हैं भले ही उसके समर्थन में मोटे मोटे सबूत क्यों न पेश किए जाएं। इस तरह से देखा जाए तो समकालीन इतिहास लेखकों को अपने पाठकों से ज़्यादा चुनौती मिलती है जो कि उसके सहयोगियों को नहीं झेलनी पड़ती जो सुदूर इतिहास का लेखन कर रहे होते हैं लेकिन इतिहासकार के सामने एक दूसरी भी चुनौती है जिस पर शायद कम लोगों का ध्यान गया है वो चुनौती यह है कि इतिहासकार खुद भी एक नागरिक होता है जो विद्वान वियतनाम युद्ध के बारे में लिखने का फैसला करता है उसका उस पर पहले से ही एक मजबूत विचार होता है जबकि एक लेखक जो अमेरिकन गृहयुद्ध या क्रांतिकारी युद्ध के बारे में लिखने का फैसला करता है तो उसका उस पर उतना मजबूत विचार नहीं होता इसलिए एक इतिहासकार के लिए भी और एक पाठक के लिए भी जो कोई वर्तमान के जितना ही नजदीक जाता है वह उतना ही एक तरफा सोच से ग्रस्त होने की दिशा में बढ़ जाता है यह है एक अलग तरीके की चुनौती है इस किताब को लिखते वक्त मैंने मीट लैंड की नजर नजीर को हमेशा अपने सामने रखने की कोशिश की है मैं एक निश्चित मत के बजाय विषय को जानने की उत्सुकता से प्रेरित रहा हूँ और अपना मत थोपने के बजाय विषय को समझने की इच्छा करता रहा हूँ मैंने किसी विषय पर किए गए अध्ययनों के बदले उसके प्राथमिक स्रोतों पर ज्यादा निर्भर रहने का फैसला किया है उदाहरण के लिए सन उन्नीस की घटनाओं को उन्नीस की तरह ही जानना चाहिए न कि 2007 में उस पर किए गए अध्ययन की निगाहों से पहली निगाह में यह किताब मानवता के छठे इतिहास की कहानी कहने का एक प्रयास भर है यह आजाद भारत के प्रमुख पात्रों विवादों मुद्दों और प्रक्रियाओं का एक लेखा जोखा और विश्लेषण है हालांकि इस किताब की किस्बोई का तरीका दो मूल महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित रहा है पहली भारत की सामाजिक और राजनीतिक विविधता को उचित सम्मान देना और दूसरी बहुत से देशी विदेशी विद्वानों और नागरिकों के सामने रही इस पहेली को सुलझाना कि आखिर हिंदुस्तान एक अस्तित्व में क्यों है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए थैंक यू धन्यवाद